Hello students and welcome to PrepIAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for this particular video is going to be the second part of socio-religious reform movements. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ ऑलरेडी बिगिन कर दिया था. इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि हमारे पास में एक तो सोशल लेवल पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, दूसरे रिलीजियस लेवल पर हो रहे हैं. रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसकी दो कैटेगरी हैं. एक तो अपने पास रिफॉर्म मूवमेंट है, दूसरे अपने पास रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर पुरानी कोई प्रैक्टिसेस को वापस लाया जाता है. जबकि रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई करंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि ठीक नहीं चल रही हैं, समाज में फिट नहीं बैठ रही हैं, इसलिए उनमें बदलाव लाने की जरूरत है. सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये दो एंगल्स के अंदर मैनिफेस्ट होती हैं, जिसमें एक है अपने पास कास्ट लाइन और दूसरी है हमारे पास जेंडर लाइन. जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, हमने देखा था जो विमेन है सोसाइटी के अंदर वो बहुत अंडर प्रिविलेज थी, उनके पास एजुकेशन के चांसेस नहीं थे. इसके अलावा हम देखते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा, विडोज की पुअर कंडीशन, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके साथ विमेन जूझ रही थी. और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं जो विमेन के कॉज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं. मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर हम कास्ट लाइन्स पे बात करें तो इसका डिस्कशन हमने अभी तक नहीं किया है. आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मल्टीपल मूवमेंट्स दिखाऊंगी जो कि कास्ट बेस्ड जो अपने पास डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में मूवमेंट्स चलाएंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. वी आर कैरिंग फॉरवर्ड द सेम टॉपिक और जो हमारे बचे हुए मूवमेंट्स रह गए हैं उनका डिस्कशन शुरू करते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास एक रिलीजियसली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है. ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है, दिस इज एसोसिएटेड विद रामकृष्ण परमहंस एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रामकृष्ण मूवमेंट. इनके एक डिसाइपल जो वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर होने वाले हैं और इनको भी पॉपुलर करेंगे, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जो हैं, इनकी टीचिंग्स और इनके जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने मिलके रामकृष्ण मूवमेंट को अंजाम दिया. ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास में. जहां पर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बैंड ऑफ मंक्स, मुझे मंक्स की एक मंडली को एग्जिस्टेंस मिलाना है जो कि स्पिरिचुअलिटी की लाइफ जिएंगे, और इन्हीं में से मैं कुछ टीचर्स और वर्कर्स का ग्रुप बनाऊंगा हु विल बी सेंट आउट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे आर गोइंग टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे फोकस पॉइंट्स क्या हैं? फोकस पॉइंट ये है कि रामकृष्ण परमहंस कौन से फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, ये वेदांत की फिलॉसफी के अंदर बिलीव करते हैं, नंबर वन. दूसरी बात ये है कि इनके अंडर इन्होंने ऑलरेडी ये ऑब्जेक्टिव बना लिया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल फिलोसोफर और टीचर, आई एम गोइंग टू क्रिएट पीपल लाइक मी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम फिलोसफिकल आइडियल्स एज मी एंड दे विल बी माई स्ट्रेंथ, दे आर गोइंग टू बी माई फोर्स एंड दे आर गोइंग टू स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदांता. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनके जो ले डिसाइपल्स हैं, भाई जो इनके साथ आश्रम में रह रहे हैं उनकी बात अलग हो गई, जो इनके ले डिसाइपल्स हैं वो इनकी तरफ से प्रीचिंग का और चैरिटेबल वर्क्स जो हैं इनका काम करेंगे, और ये जो प्रीचिंग है दिस विल बी डन फॉर ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और कलर एंड जेंडर एज वेल. तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं रामकृष्ण परमहंस के, जिनके तहत रामकृष्ण मूवमेंट जो है इसको अंजाम दिया जाता है. पहले ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि भाई हमें एक बैंड ऑफ मंक्स एंड टीचर्स बनाना है, इसके तहत इसकी फाउंडेशन परमहंस खुद ही कर गए थे, जिसके तहत इन्होंने रामकृष्ण मठ बनाया था और इस मठ के अंदर हम उन मंक्स और उन टीचर्स को तैयार कर रहे हैं. जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमें जाके बिना किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर प्रेजुडिस के सब लोगों में ये टीचिंग्स फैलानी है, इस ऑब्जेक्टिव को इनके डियर डिसाइपल स्वामी विवेकानंद आगे लेकर गए, और इसके तहत इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है इसको 1897 के अंदर शुरू किया.
स्टूडेंट्स, ये जो मिशन है इसके हेडक्वार्टर्स अपने पास बेलूर में है और बेलूर हमारे पास में कैलकटा के पास पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कशन स्वामी विवेकानंद पे भी कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्त और आगे जाके ये बन जाते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनकी लाइफ का एम है टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता विच वॉज टॉट टू हिम बाय हिज गुरु दैट इज रामकृष्ण। मोर ओवर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो जाना माना इवेंट है जो विवेकानंद से एसोसिएटेड है वो ये है कि 1893 में शिकागो के अंदर एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे टू डिस्कस अबाउट देयर ओन रिलीजियस फिलोसफी। हियर स्टूडेंट्स, व्हेन स्वामी विवेकानंद लैंडेड ही मेड एन अमेजिंग इम्प्रेशन ऑन द पीपल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम हियर हिज पॉपुलैरिटी ग्रू मैनीफोल्ड। तो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन क्या है, परमहंस कौन है, स्वामी विवेकानंद ने कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाया और इनका पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इससे कैसे स्वामी विवेकानंद पॉपुलर हुए, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये भी एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। और रिलीजियस रिवाइवल करने के लिए, हिंदू कल्चर का रिवाइवल करने के लिए इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम है आर्य समाज। यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर आप 20-30 स्टार बना लें। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा कवर हो रहे हैं। इनकी रिसेंटली 200th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी गई है और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती जो हैं इनका बार बार मेंशन आ रहा है। मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हमारे पास जो क्यूज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, करंट अफेयर्स से आती हैं। और करंट अफेयर्स के अंदर या तो कहीं पे मोदी जाकर आए हैं तो वो बात अलग होती है, या फिर अपने पास कोई हिस्टोरिक पर्सनालिटी हैं जिनकी 100, 200, 150 या 300 बर्थ या डेथ एनिवर्सरी आ रही है तो वो न्यूज़पेपर में काफी आते हैं। और इस वजह से इस बार इनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी है तो आप इनके ऊपर एक अच्छा राइटअप प्रिपेयर करके रखेंगे, प्रिलिम्स के अंदर लाइकलीहुड है कि इनके ऊपर सवाल आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 के अंदर पहली आर्य समाज की जो यूनिट है उसको बॉम्बे के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आगे जाके इन्होंने जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको लाहौर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अपनी जो फिलॉसफी थी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश या फिर द ट्रू एक्सपोजिशन। ये पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सत्यार्थ प्रकाश किस गुरु के साथ एसोसिएटेड है और आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इन्होंने वेद और वेदों के अंदर जो फिलॉसफी लिखी है इसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया और इसको लोगों में फैलाने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू हिम द वेदास आर इनफैलेबल। ठीक है, इनफैलेबल माने कि ये ही रिलीजियस ट्रूथ कंटेन करते हैं एंड देर इज नो फैलेसी व्हाट्सोएवर इन द वेदास एंड दैट इज व्हाई ही कंसिडर्ड देम एज इंडियाज रॉक ऑफ एजेस। Considering his leanings towards the Vedic culture, students, you will see that he gave a very famous slogan which is known as back to the Vedas. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, सत्यार्थ प्रकाश वाला पॉइंट हो गया, आर्य समाज वाला पॉइंट हो गया। इन सब में स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये सब दयानंद सरस्वती से एसोसिएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे दयानंद सरस्वती की अगर खुद की बात करी जाए तो इन्होंने वेदांता की जो एजुकेशन है वो स्वामी विराजनंद से मथुरा में प्राप्त करी थी और इनके जो गुरु थे वो ब्लाइंड थे। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आर्य समाज से एक मूवमेंट भी एसोसिएटेड है और उस मूवमेंट का नाम है शुद्धि मूवमेंट। इस शुद्धि मूवमेंट के तहत आप देखेंगे कि आर्य समाजिस्ट्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो हिंदूज जिनको फोर्सफुली या किसी भी तरह से दूसरे कोई रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है तो उनको दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे थे। कन्वर्ट
कम्युनल ओवरटोन्स थी इसके अंदर, काफी दूसरे रिलीजन के लोग इस बात से चिढ़े, बट अल्टीमेटली दिस इज वन पॉइंट विच इज एसोसिएटेड विथ आर्य समाज। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं विच आर एसोसिएटेड विद दयानंद सरस्वती। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो डीएवी स्कूल्स हैं, जो कि आपको इंडिया की हर सिटी के अंदर मिल जाएंगे, ये वाला जो मूवमेंट है ये भी आर्य समाज के अंडर ही शुरू हुआ है। आप देखेंगे दयानंद एंग्लो वेदिक, यानी कि जो डीएवी स्कूल्स हैं वो इस्टैब्लिश करे गए स्वामी दयानंद सरस्वती की फिलॉसफी और उनके फॉलोअर्स के द्वारा। वेर इन वी सी द फर्स्ट स्कूल वॉज इस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन द ईयर 1886। जो मेन एम था स्टूडेंट्स डीएवी स्कूल का, दैट वाज टू इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन, तो जो करिकुलम था वो वेस्ट की तरफ लीन कर रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इनकी जो लेगेसी है उसको आगे इनके डिसाइपल्स लेकर जाते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर डिसाइपल्स हैं लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एंड स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उन्होंने एंशिएंट इंडिया के एजुकेशन मेथड के बेसिस पर एक गुरुकुल सेटअप किया हरिद्वार में 1902 में, जो कि ट्रेडिशनल वे के अंदर एजुकेशन को इम्पार्ट करता था। तो ये डीएवी वाला पॉइंट और स्वामी श्रद्धानंद ने जो गुरुकुल स्टार्ट किया है, ये दो और पॉइंट स्वामी दयानंद सरस्वती से एसोसिएट होते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, इन दो स्लाइड्स को अच्छे से याद रखना है, क्यों ये न्यूज में आ रहे हैं, इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, हिंदू एक्सप्रेस में भी इनके आर्टिकल आए हुए हैं, उनको भी रेफर करिए, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है उसको भी कवर कर लीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आर्य समाज के हमारे पास एक्चुअली 10 गोल्स हैं। इनको मैं पूरा आपके लिए रीड आउट नहीं करूंगी, बट आई हैव जस्ट पुट इट इन द स्लाइड फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन, वेर इन यू विल सी दैट दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फसाइजिंग ऑन द नॉलेज, ट्रू नॉलेज दैट इज कंटेन्ड इन द वेदास। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर सेइंग दैट गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी दे आर टॉकिंग अबाउट द आर्य समाजिस्ट फॉलोअर्स दैट एनी आर्य विल नेवर अबैंडन द ट्रूथ एंड इट विल ऑलवेज ही और शी विल ऑलवेज एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से करके अपने पास में 10 ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनको आप एक बार के लिए रीड कर लें, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के तहत बनी थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सेवा सदन। सेवा सदन 1908 के अंदर बनी थी और इसको एक पारसी सोशल रिफॉर्मर बहराम जी एम मालाबारी ने बनाया था। यहां पे इन्होंने अपने एक दोस्त की मदद भी ली थी जिनका नाम है दीवान दयाराम गिडुमल। तो इन दोनों ने मिलके सेवा सदन बनाया था और ये जो सेवा सदन है स्टूडेंट्स, इट वाज अ चैंपियन ऑफ विमेन राइट्स। तो किस डोमेन के अंदर ये सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, विमेन के साथ जो ऑपरेशन है सोसाइटी में उसको हटाने के लिए काम कर रही है कौन, सेवा सदन। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स विमेन राइट्स के लिए जो इन्होंने आवाजें उठाई, इसके लिए माना जाता है कि हमारे पास जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आती है, जिसमें फीमेल्स की मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सेवा सदन के अलावा हमारे पास है देव समाज। ये 1887 में शुरू हुआ था, लाहौर में ये बना है स्टूडेंट्स, और इसको बनाया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, देव समाज जो है इसकी टीचिंग्स को एक किताब में कंपाइल किया हुआ है जिसका नाम है देव शास्त्र। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और विमेन राइट्स के लिए काम करता था देव समाज। तो ये दोनों के दोनों सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में है ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और सभा है जिसका नाम है धर्म सभा, और इसको 1830 में राधाकांत देव ने शुरू किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इज भारत धर्म महामंडल, और इसके अंदर आप देखेंगे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं। भारत धर्म महामंडल की अगर हम बात करें, तो ये एक रिलीजियस रिवाइवल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है।
दैट इज वाई इसका जो एम है वो है ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को डिफेंड करने का। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नाम है सनातन धर्म सभा, जो कि 1895 में बनी थी, धर्म महापरिषद जो कि साउथ इंडिया में बनी थी, और उसके अलावा हमारे पास है धर्म महामंडली जो कि बंगाल में बनी थी। आगे जाके स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1902 के अंदर ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कंबाइन हो जाती हैं, और कंबाइन होके इनका नाम पड़ जाता है भारत धर्म महामंडल, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे पास बनारस या फिर वाराणसी में लोकेटेड हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका एम क्या था? इनका एम था प्रॉपर मैनेजमेंट लाना हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में और हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना। सो बेसिकली ये हिंदुइज्म के अंदर एक रिवाइवल करना चाह रहे थे, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मिलकर बनती हैं क्या? भारत महामंडल। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जो कि इस महामंडल के साथ एसोसिएटेड है, और इनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू रिवाइवलिज्म की बात हो रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इससे एसोसिएटेड है वो है मदन मोहन मालवीय। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट है, और इसका नाम है राधा स्वामी मूवमेंट। 1861 में हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में तुलसी के नाम से एक जने हैं, एंड तुलसीराम के नाम से एक जने हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज शिव दयाल साहिब, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मूवमेंट। इनके जो फॉलोवर्स हैं उनको राधा स्वामीज कहा जाता है, और इनके जो बिलीफ हैं वो मोनोथीस्टिक हैं, दैट इज दे बिलीव इन वन सुप्रीम बींग। तो क्या प्रीच हो रहा है यहाँ पर? मोनोथीज्म को प्रीच किया जा रहा है। मोर ओवर स्टूडेंट्स दे ऑल्सो बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु, एंड इन दिस केस हु इज देयर गुरु? इट इज गोइंग टू बी तुलसीराम और दयाल साहिब। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स दीज पीपल बिलीव इन कंसिस्टेंट सत्संग्स एंड लिविंग अ वेरी सिंपल हम्बल सोशल लाइफ। तो यहाँ पे राधा स्वामी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया और क्या इसकी बेसिक फिलोसफी है, इन पॉइंट्स को हमने टैकल किया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट मूवमेंट पर चलते हैं। यहां से स्टूडेंट्स अब जो दो तीन स्लाइड्स आने वाली हैं, दीज ऑल आर कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जब हम सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं तो इसके दो ब्रांचेस हैं, जेंडर और कास्ट। कास्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कास्ट बेस्ड जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं ये अपनी नेक्स्ट दो से तीन स्लाइड्स की कवरेज है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला मूवमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं इसका नाम है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट, और शॉर्ट में हम इसे कहते हैं SNDP मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स ये एक रीजनल मूवमेंट था, जहां पर हम देखते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जिनको गांधी जी हरिजन बुलाया करते थे, वो अपर कास्ट के ऑपरेशन से परेशान हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस मूवमेंट को अंजाम दिया जाता है। ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स ये केरला के अंदर स्टार्ट हुआ था, और यहां पर हम देखते हैं इसको लीडरशिप दी श्री नारायण गुरु स्वामी ने, और जिस पर्टिकुलर कास्ट से ये एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स उनका नाम है एजावा, और इसलिए हम इसको एजावा मूवमेंट भी बोलते हैं। इस मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि ये जो एजावाज हैं, जो कि केरला का एक बड़ा कास्ट ग्रुप था, ये जो लोग हैं ये आवाज उठाते हैं अपर क्लास के अगेंस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कहानी है जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो नारायण गुरु हैं उन्होंने नैयर जो नदी है वहां से एक पत्थर निकाला और उसको शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। किस कहाँ पर? अरुविपुरम के अंदर शिवरात्रि की रात को, और ये 1888 में इन्होंने किया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा मंदिर भी बन गया। इसी के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि अरुविपुरम जो है इनका मेन सेंटर बन गया, यहाँ पर ये मंदिर भी स्थापित हो चुका है, इसी वजह से SNDP मूवमेंट को हम कभी कभी अरुविपुरम मूवमेंट भी बोलते हैं। ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर होके नारायण गुरु के पास एक बहुत ही पॉपुलर पोएट आते हैं जो इनके डिसाइपल इनके अनुयायी बन जाते हैं, और इनका नाम है कुमारन आसन।
यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन दोनों के ही एफर्ट से, यानी कि नारायण गुरु और कुमारन असन, इनके एफर्ट से 1889 के अंदर इस मंदिर के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम है अरुविपुरम क्षेत्र योगम। तो हमने पहले मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। इस ऑर्गेनाइजेशन में की रोल कौन प्ले कर रहे हैं, एक पॉपुलर पोएट है हमारे पास केरला में, कुमारन असन, ये हेल्प कर रहे हैं। और कौन सी कम्युनिटी है जिसके ऑपरेशन को देखते हुए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इनका नाम है एजहवाज। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है इसको हम 1903 के अंदर रजिस्टर करा देते हैं अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, और इसका नाम बनता है क्या, अरुविपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम। तो ये हमने एक प्रॉपर कंपनी ही सेटअप कर दी है यहाँ पर 1903 में, और इसके परमानेंट चेयरमैन हैं श्री नारायण गुरु, और इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं इनके प्रिय डिसाइपल जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पोएट भी हैं जिनका नाम है कुमारन असन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अरुविपुरम के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक नदी से जो शिवलिंग निकाल के बनाया था उस टेम्पल पे, वो उसके अराउंड जो टेम्पल बन गया उसकी दीवारों के ऊपर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हुई हैं। वहां पे लिखा है डिवॉइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस और हेट्रेड ऑफ राइवल फेथ वी लिव हियर इन ब्रदरहुड। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है जो आपको अरुविपुरम के टेम्पल पे मिलती है, जहां पर आप देखेंगे सारे कास्ट डिस्टिंक्शन से दूर ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रदरहुड के तहत लोगों से मिल सकते हैं और भगवान की तरफ समर्पित हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है एसएनडीपी योगम, ये जो है एजावा कम्युनिटी के काफी सारे इश्यूज को लोगों के सामने लेकर आती है। फॉर इंस्टेंस कि इन लोगों को भी पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन मिलना चाहिए। लोअर कास्ट के लोगों के साथ स्टूडेंट्स बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसा कि हम सब ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा या प्रोबेबली एक्सपीरियंस किया होगा। कैसे होता था भाई, उनको आपके घर में एंट्री नहीं है अपर कास्ट के, अगर उनका कोई सामान छू लिया तो उसको साफ करो। फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स एंशियंट और मिडिवल पीरियड में तो आप देखेंगे कि जो अनटचेबल कास्ट हैं वो किसी भी अपर कास्ट के एरिया में एंटर करने से पहले कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, ढोल टाइप बजाते हुए आती थी कि भाई हम एंटर कर रहे हैं तो आप लोग दूर दूर हो जाएं। जो हमारे पब्लिक फेस्टिविटीज हो गई, पब्लिक वेल्स हो गए, उनमें से इन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता था, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, मंदिरों में एंटर नहीं करने दिया जाता था। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है स्टूडेंट्स, ये जो हेट्रेड था ऑल टुगेदर, इसके अगेंस्ट 19th सेंचुरी में कई लोगों ने आगे आके रिफॉर्म करने की कोशिश करी। इस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक स्कूल्स में एजावाज के बच्चों को भी एंट्री मिले इसके लिए बात करी एसएनडीपी ग्रुप ने। इसके अलावा उनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट मिले, उनको टेम्पल्स के अंदर एंट्री मिले और रोड का एक्सेस मिले। आप समझ सकते हैं कि कितनी डिमीनिंग है ये बातें कि उनको रोड का एक्सेस तक नहीं मिल रहा, और उसके अलावा हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई लोअर कास्ट के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था और ऐसी बेसिक चीजों के लिए उनको इतने बड़े मूवमेंट बनाने पड़ते थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आर अदर कास्ट मूवमेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज कास्ट मूवमेंट स्टूडेंट्स एज यू विल सी वर लॉन्च्ड इन साउथ इंडिया पर्टिकुलरली। नाउ हियर द नेक्स्ट वन इज द वोक्कालीगर संघ, ये मैसूर के अंदर बना था 1905 में, और ये भी एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है। वो कालीगर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अगेन एक कम्युनिटी है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं इसलिए कोई स्पेसिफिक लीडरशिप की बात नहीं होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो मूवमेंट है इसका नाम है जस्टिस मूवमेंट, और ये जस्टिस मूवमेंट जो है बड़ा जोर पकड़ता है साउथ इंडिया के अंदर। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 20 नवंबर 1916 को 30 प्रोमिनेंट नॉन ब्राह्मण लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, जिसमें लीडरशिप देते हैं 3 जने। दीज इंक्लूड नाटेस मुदलियर, देन वी हैव पी चेट्टी, एंड देन वी हैव टी एम नायर। तो ये तीनों जो हैं ये इसको लीडरशिप देते हैं, और उसके अलावा हमारे पास में एक वुमेन लीडर भी हैं जिनका नाम है अलामेलू मंगई। ये सब साथ में इकट्ठे होते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं जिसका नाम है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन।
यही साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन स्टूडेंट्स आगे जाके जस्टिस पार्टी के नाम से जानी जाती है, जिसने एक न्यूज़पेपर जस्टिस के नाम से लॉन्च किया था, जिससे कि ये अपनी आइडियोलॉजी का जनता के अंदर प्रचार प्रसार कर सके। इस कॉन्टेक्स्ट में इनका एम क्या था, क्या डिमांड्स थी इनकी जिनके लिए लड़ रहे थे? ये बोल रहे थे कि भाई जो लोअर कास्ट्स हैं, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, उनके लिए जॉब सिक्योर किए जाएं और उसके अलावा उनको लेजिस्लेचर के अंदर अलग से रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अपार्ट फ्रॉम द जस्टिस मूवमेंट स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कास्ट मूवमेंट इज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। Here, students, you will see that this movement was started by E.V. Ramaswamy Naikar, who is also known as Balija Naidu, and this movement was started in the middle of 1920s. Apart from that, students, इस movement को एक और नाम से जाना जाता है, that is your Dravidian movement, और बाकी सारे caste movements की तरह हम देख रहे हैं कि backward classes जो हैं, उनके rights के लिए लड़ाई करी जा रही है, बोला जा रहा है कि भाई जो upper caste को right हैं, वो ही rights हमें भी मिलने चाहिए। एक एज जो इन्होंने और दे रखी है, जो आपको जस्टिस मूवमेंट में भी मिलेगी, दैट इज ऑल्सो टेकिंग अप द जेंडर इश्यू। और इस कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दोनों के दोनों जो हैं विमेन राइट्स के भी चैंपियंस हैं और विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलवाना चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में भी हमारे पास कुछ फेमस फीमेल लीडर्स हैं, जैसे कि वीरमल एंड अन्नई मीनम्मल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये दो फीमेल लीडर्स भी हैं जो कि द्रविडियन या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमारे कुछ मेजर कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हो गए। ओके, वी हैव वन मोर स्टूडेंट्स, दैट इज योर टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। टेंपल एंट्री मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे ये भी केरला के अंदर शुरू होता है, एक जगह में जिसका नाम है वाइकोम। वाइकोम स्टूडेंट्स जो है त्रावणकोर के रीजन के अंदर पड़ता है और यहां पर एक अलग टाइप का मूवमेंट बनता है, दैट इज टेंपल एंट्री। नाम से ही आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि इसका मेन इश्यू क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ये था कि भगवान भी अलग अलग कर रखे हैं और भगवान के इतने पायस और रिलीजियस प्लेस में यहां पर हम कास्ट के बेसिस पर एंट्री नहीं देते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हद हो जाती है, तो 1924 में हम देखते हैं कि वाइकॉम सत्याग्रह शुरू होता है, जिसे कि टेंपल एंट्री मूवमेंट भी बोला जाता है, और इसको लीडरशिप देते हैं केपी केसावा। ये केरला के अंदर लॉन्च हो रहा है और इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है कि भाई जो मंदिर है उसमें बैकवर्ड क्लासेस को भी एंटर करने दिया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1931 के अंदर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार के लिए सस्पेंड किया गया था, उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट की बागडोर के तहत हम देखते हैं कि टेंपल एंट्री मूवमेंट को फिर से एक पुश मिला केरला के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक बहुत ही हिस्टोरिक प्रोक्लेमेशन दिया त्रावणकोर के महाराजा ने 1936 के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेम्पल्स हैं, इसमें कोई भी जो हिंदूज हैं उनको एंट्री दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। तो यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट और लीडरशिप ऑफ केपी केसावा, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनको आप याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कुछ ऐसा ही मिलता जुलता स्टेप जो है सी राजगोपालाचारी लेते हैं, जब उनके हाथ में मद्रास की एडमिनिस्ट्रेशन आती है। टेम्पल्स जो है उसमें कास्ट बैरियर्स को हटाया जाता है और कोई भी इंसान टेम्पल को विजिट कर सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने जो कास्ट बेस्ड, ठीक है, कास्ट बेस्ड जो मेजर मूवमेंट्स हुए हैं इनका डिस्कशन हम कवर कर रहे हैं। साउथ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हुए हैं। कास्ट मूवमेंट्स में स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। जैसा कि हमने बाकी सारे कास्ट मूवमेंट्स में देखा, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी अपने पास साउथ इंडिया में मद्रास के अंदर बन रही है। इसके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम है एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। इन दोनों ने इस कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन मद्रास में 1887 के अंदर शुरू किया था। द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड एट 1887 एंड आफ्टर दैट इट वॉज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑल टुगेदर।
अगर हम इसकी थीम्स की बात करें कि भाई फोकस कहाँ पर था इसका, तो आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुद्दे उठाए जाते थे वो कास्ट बेस्ड ही थे, बट दे वर मोर एसोसिएटेड विद द मैरिटल इश्यूज। इन दैट सेंस दे यूज टू एडवोकेट इंटर कास्ट मैरिजेस, दे यूज टू अपोज पॉलीगमी, पॉलीगमी इज व्हेन अ मैन मैरीज मल्टीपल वुमन, एंड दे यूज टू एडवोकेट अगेंस्ट कुलिनिज्म। कुलिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कुलिनिज्म में कुल प्रथा होती है। आप देखेंगे ऑलरेडी अपने पास अपर कास्ट है, और उन अपर कास्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि कुलिनिज्म का प्रोसेस है, यानी कि कुछ ऐसी क्रीम क्लास है विद इन द अपर क्लास जिनको और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऊंचे कुल की जो लड़कियां हैं वो या तो अपनी बराबरी में या और ऊंचे कुल के अंदर शादी करती हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है इसके अगेंस्ट भी एडवोकेट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि प्लेज, इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट स्टार्ट किया जिसके अंदर हम देखते हैं ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लोगों को प्लेज करने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे सारे कास्ट बेस्ड मेजर मूवमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव हैपेंड इन साउथ इंडिया। विद दिस वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर एंड नाउ टॉक अबाउट द रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे रिफॉर्म से ज्यादा रिवाइवल वाले मूवमेंट हुए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर मूवमेंट है वहाबी या वली उल्लाह मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसको अब्दुल वहाब, जो कि अरेबिया के हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था, और यहां पर इसको स्टार्ट एक्चुअली किया था सैयद अहमद बरेलवी ने, लेकिन स्टूडेंट्स ही इज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड द प्रीचिंग्स ऑफ शाह वली उल्लाह। इसी वजह से इसको वली उल्लाह मूवमेंट भी बोलते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो ये रिफॉर्मिस्ट नहीं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जिसमें कि सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो प्रीच कर रहे हैं टू गो बैक टू द इस्लामिक आइडियल एंड थ्रो अवे द कास्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दैट हैड एंटर्ड द रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द कॉलोनियल इन्वेजन। कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द डी जेनरेशन विच हैज सेट अमंगस्ट द इंडियन मुस्लिम्स एज अ पार्ट ऑफ द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, एंड दे आर इंस्पायरिंग देम टू गो बैक टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो हमारा वहाबी मूवमेंट है 1857 के टाइम स्पेसिफिकली एक पॉलिटिकल एंगल ले लेता है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रीच करता है, इसलिए हम देखते हैं बहुत ही फेरोशियसली जो ब्रिटिशर्स हैं वो वहाबीज को और वहाबी मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली ब्रिटिश मिलिट्री की माइट की वजह से 1870s में वहाबी मूवमेंट जो है ये अपनी जड़ से खत्म हो जाता है। वहाबी मूवमेंट के बाद हमारे पास है टीटू मीर्स मूवमेंट। ये भी स्टूडेंट्स हमारा एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट है, और यहां पर हम देखते हैं इसके फाउंडर कौन है, टीटू मीर, जिनको मीर निथर अली के नाम से भी जाना जाता था। ये हमारे वहाबी मूवमेंट के फाउंडर सैयद अहमद बरेलवी जो हैं उनके डिसाइपल थे, और इन्होंने वहाबीज्म के आइडियोलॉजी और शरीयत के हमारे जो इस्लामिक लॉज हैं इनको लोगों में प्रीच किया। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट है स्टूडेंट्स, इसका नाम है फराइजी मूवमेंट। फराइजी मूवमेंट जो है ये अगेन इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ की तरफ झुक रहा है, इनका झुकाव जो है वो इस्लामिक रिवाइवल पर है, और इसकी फाउंडेशन 1818 में करी थी हाजी शरियत उल्लाह ने। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे वहाबी मूवमेंट की तरह इसकी पॉलिटिकल ओवरटोन्स नहीं है, ये एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह ही शुरू हुआ था और उन्हीं लाइंस पर इसने कंप्लीटली काम किया। तीन अपने पास में स्टूडेंट्स ये रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट्स है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट दैट हैड हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। ये जो रिफॉर्म है स्टूडेंट्स, इनको लेकर आते हैं सर सैयद अहमद खान, और इनकी आइडियोलॉजी के अराउंड जो मूवमेंट शुरू होता है उसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास एक मुस्लिम्स का सेक्शन है जिनको लीड कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान, और यहां पर वो किस चीज की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और ये रिफॉर्म कैसे आएगा, उनको बेटर एजुकेशन दी जाए जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मुस्लिम्स में एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि वो एम्प्लॉय हो जाएं और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एंटर करें। सर सैयद अहमद खान खुद एज अ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि 1878 में ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं 1888 में इनकी डिलीजेंट गवर्नमेंट सर्विसेज की वजह से इनको नाइटहुड के पद की भी प्राप्ति हुई। मुस्लिम्स में स्टूडेंट्स एजुकेशन बढ़ाने के लिए, मुस्लिम्स की कम्युनिटी में रिफॉर्म लाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत करी 1875 में, जो आगे जाके 1920s के डेकेड में बन जाती है द वेरी फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बाकी सब रिवाइवल थे, लेकिन ये वाला जो मूवमेंट है ये रिफॉर्म का है। और हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? हमारा फोकस है कि मुस्लिम्स के अंदर एजुकेशन इम्पार्ट हो, मॉडर्न साइंसेज, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है उससे ये लोग वाकिफ हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान के जो प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज थे, जिनसे वो चाहते थे कि मुस्लिमों की जो कौम है वो भी आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, इनको उन्होंने अपनी एक मैगजीन के अंदर छापा। और इस मैगजीन का नाम है तहदीब उल अखलक। इस मैगजीन के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई कैसे मुस्लिम्स में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ये सारे आइडियाज इन्होंने लिखे हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसके ट्विन पिलर्स हैं। ट्विन पिलर्स के अंदर एक तो हमें क्या करना है, इंडियन मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन से वाकिफ कराना है, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जिसमें कि सर सैयद अहमद खान बीइंग अ लिबरल, पर्दा, पॉलीगमी, विमेन्स एजुकेशन, विडो री मैरिज, विमेन के जो राइट्स हैं, मुस्लिम विमेन के जो राइट्स हैं उनको भी एडवोकेट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई ही वॉज एन इंस्पिरेशनल फिगर। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनादर मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, दिस इज नोन एज द देवबंद स्कूल, जिसको हम दर उल उलूम भी बोलते थे। देवबंद मूवमेंट, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया क्या है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, बाकी तीन की तरह। और इसके अंदर हम देखते हैं इसको लीड कौन कर रही है, मुस्लिम उलेमा कर रही है। उलेमा कौन होते हैं ये हमने बहुत देख लिया मिडिवल पीरियड में, दे आर थियोलॉजियंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग शरीयत, यानी कि इस्लामिक लॉ। तो ये अपने मुस्लिम थियोलॉजियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के हैं, जिन्होंने देवबंद मूवमेंट को स्टार्ट किया है। और ये एक इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये कहाँ शुरू हो रहा है, देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस में शुरू होता है हमारा देवबंद स्कूल। और इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है मोहम्मद कासिम नानोतवी, एंड इसके अलावा हमारे पास है रशीद अहमद गनगोही। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों देवबंद स्कूल के तहत रिलीजियस लीडर्स जो कि मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लामिक लॉ को आगे लेकर जाएंगे उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे इसी के तहत हमारे पास जो एम है वो क्या है, रिलीजियस रीजेनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो वहाबीज की तरह ये भी उस गोल्डन एज में जाना चाहते हैं जहां पे अकॉर्डिंग टू देम इस्लाम का गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने चार इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट देखे और एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी देखा है, जिसको किसने स्टार्ट किया था, सर सैयद अहमद खान ने। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉपुलर रिफॉर्म मूवमेंट है, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, और इसको स्टार्ट किया था एक सभा ने, दैट इज रहनुमाई मजदेआसन सभा, जो कि 1851 में शुरू होती है। इंग्लिश में सिंपली इसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बोल रहे हैं, एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ द कम्युनिटी ऑफ द पारसीज।
यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंग्लिश एजुकेशन से इन्फ्लुएंस हुए हुए जो पारसीज हैं, दे हैव स्टार्टेड दिस रिफॉर्म विद इन द पारसी पीपल, वेर इन दे आर ट्राइंग टू रीजेनरेट द सोशल कंडीशंस ऑफ पारसीज एंड दे आर ट्राइंग टू रीस्टोर द ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन टू इट्स प्रिस्ट्रीन प्योरिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी रिफॉर्मिस्ट नहीं बल्कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है एंड इसकी लीड जो है आयरॉनिकली इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज चला रहे हैं हु वांट टू ब्रिंग बैक द ज़ोरास्ट्रियनिज्म एंड दे वांट देयर पीपल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन। In that context, students, you will see that the leaders of this Parsi reform movement included Nauroji Furtonji. Apart from that, we have the very famous Dada Bhai Nauroji. Dada Bhai Nauroji, students, is best known for his economic critique of the British policies. And this is something which is reiterated in his very popular book, that is Poverty एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्होंने क्रिटिक किया है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को, इन्होंने बताया कि कैसे वो डेलिबरेटली हमारा पैसा जो है लेकर जा रहे हैं इंग्लैंड। तो इस थ्योरी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। आगे हम पढ़ेंगे भी इसको और अच्छे से। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है इसको भी पॉपुलराइज दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो यहाँ पे ये पारसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इनके अलावा हमारे पास है नावरोजी फुरतौनची और हमारे पास है के आर कामा एंड एस एस बंगाली, जो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, पारसी रिफॉर्म करने की, ज़ोरास्ट्रियनिज्म के पॉपुलर पीरियड को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अपने रिफॉर्म के जो मैसेजेस हैं इनको एक न्यूज़पेपर के तहत उतारते हैं और इस पेपर का नाम है रस्त गुफ्तार, यानी कि ट्रूथ टेलर। पारसी रिलीजन में रिफॉर्म के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सिखिज्म के तहत भी कुछ रिफॉर्म्स होते हैं। यहां पर सबसे पहले शुरू होता है सिंह सभा मूवमेंट, जो कि अमृतसर में 1873 में शुरू होता है। सिंह सभा मूवमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं कि एक तो सिख्स को मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन मिले, जिससे कि ये जॉब के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर इनके लिए पॉपुलैरिटी हो, इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। तो एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, सिख्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू। मोर ओवर स्टूडेंट, सिंह सभा मूवमेंट का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो प्रोजिलिटाइजिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रोजिलिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन करना, ठीक है, कन्वर्जन क्या करना, किसी के रिलीजियस फेथ का जो कन्वर्जन करना होता है इसको हम कहते हैं प्रोजिलिटाइजेशन। तो प्रोजिलिटाइजेशन की जो एक्टिविटीज चल रही हैं किन किन के द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज, उसके अलावा हम देखते हैं आर्य समाजिस्ट, ब्रह्मो समाजिस्ट एंड मुस्लिम मौलवीज, ये सब जो इस तरह के मूवमेंट्स चला रहे हैं जिसमें लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रिलीजन में, इनको काउंटर करने के लिए सिंह सभा मूवमेंट ने काम किया। और इसके अलावा इनका फोकस था वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में एक और मूवमेंट शामिल है जिसका नाम है अकाली मूवमेंट, जिसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। इसको सिंह सभा मूवमेंट का ही एक ऑफशूट माना जाता है। और यहां पर हम किस बात के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, बेसिकली गुरुद्वारास जो है स्टूडेंट्स वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते थे, ये उदासी महंत की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते थे। और यहां पर ये जो उदासी महंत थे, ये जो ट्रस्ट का पैसा है उसको इधर उधर करते थे और बहुत ज्यादा करप्शन करते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो अकाली मूवमेंट चलता है इसमें इन उदासी महंत के हाथ से, इनकी ग्रिस्प ग्रैब से जो है सिख गुरुद्वारस की एडमिनिस्ट्रेशन को हटाना था, लिबरेट करना था उसे ऑल टुगेदर। इस कॉन्टेक्स्ट में अकाली मूवमेंट बड़ा जोरों शोरों से चलता है। पहले तो गवर्नमेंट इसको रिप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन एक समय बाद वो घुटने टेक देती है और इसके तहत सरकार को जबरदस्ती सिख गुरुद्वारज एक्ट पास करनी पड़ती है 1922 में, जिसका एक बार 1925 में अमेंडमेंट भी होता है।
इस कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है, अकाली मूवमेंट की हिस्टोरिक विन की वजह से गुरुद्वारास की जो बागडोर है, इनका जो कंट्रोल है, वो मासेस के हाथ में दे दिया जाता है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अब एक दूसरी कमेटी के तहत होती है जिसे हम कहते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो अब इसकी एपेक्स बॉडी बन गई है। और जो हमारे सिख गुरुद्वारास हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अब ये करेंगे, ना कि उदासी महंत जो कि काफी करप्ट थे। तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास में दो ब्रांचेस हैं, एक है सिंह सभा जो कि रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है सिख कम्युनिटी में, उनको थोड़ा सा और प्रोफेशनली डेवलप करना चाहती है, इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस कर रही है। दूसरा अपना रिलीजियस रिफॉर्म है, ये तो सोशल रिफॉर्म के तहत था, और ये दूसरा अपना रिलीजियस रिफॉर्म के तहत है जहां पर हम देखते हैं कि गुरुद्वारा के अंदर जो करप्शन चल रहा है उसको बंद कर दिया गया और अब पावर किसके हाथ में आ गई है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गई है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अपना लास्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का डिस्कशन करेंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिया। द बिगिनिंग्स ऑफ दिस मूवमेंट हैड स्टार्टेड वे बैक इन यूएसए एंड देन इट एंटर्ड द लैंडस्केप ऑफ इंडिया। दिस मूवमेंट स्टूडेंट्स इज नोन एज द थियोसॉफिकल मूवमेंट, और ये थियोसॉफिकल मूवमेंट इंडिया में वेस्टर्नर्स लेकर आते हैं। इस मूवमेंट को स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 1875 में स्टार्ट किया जाता है बाय मैडम एचपी ब्लावत्स्की, कोलोनल एमएस ऑलकॉट, एंड वी सी स्टूडेंट्स दीज पीपल लेटर ऑन शिफ्ट देयर हेडक्वार्टर्स ऑल टुगेदर एंड कम टुवर्ड्स इंडिया। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनकी जो इंस्पिरेशन है, ऑल दो ये स्टार्ट यूएस में हुआ है, बट देयर इंस्पिरेशन लाइड इन इंडियन थॉट एंड कल्चर, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स दे यूज टू प्रीच अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड द ह्यूमनिस्ट आइडियल, एंड दिस इज समथिंग दैट दे हैव बोरोड फ्रॉम द इंडियन थॉट एंड कल्चर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं 75 के बाद 82 में ये इंडिया की तरफ आ जाते हैं और अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं ये अदियर में बना लेते हैं जो कि मद्रास के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट इंडिया में आ तो जाता है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी मल्टीपली ग्रो करती है जब इस मूवमेंट की लीडरशिप एनी बेसेंट के हाथ में आ जाती है। एनी बेसेंट जो है स्टूडेंट्स इसकी प्रेसिडेंट बनती हैं, कब, जब एमएस ऑलकॉट की 1907 में डेथ हो जाती है, और जब ये इसकी बागडोर संभालती हैं तो हम देखते हैं थियोसॉफिकल मूवमेंट इंडिया में बहुत पॉपुलर हो जाता है। एनी बेसेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये इंडिया में 1893 के अंदर आई थी, किसके तहत, थियोसॉफिकल मूवमेंट को प्रोपोगेट करने के तहत। हाउएवर स्टूडेंट्स इन्होंने इंडियन एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया, एंड दैट इज वाई शी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस इन द ईयर 1898। मोर ओवर स्टूडेंट्स यू विल सी दैट बाय 1916 दिस ब्यूटिफुल स्मॉल सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज, हिंदू कॉलेज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट स्टिल गोज बाय द नेम ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और BHU। एनी बेसेंट के लिए स्टूडेंट्स अगर और डिस्कशन करें तो शी हैड बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनफैक्ट स्टूडेंट्स शी वाज आल्सो इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, बीइंग वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु गॉट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स शी वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द होम रूल लीग दैट वॉज स्टार्टेड एज अ रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड द अदर लीडर वॉज बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक के साथ होम रूल लीग का बड़ा फेस जो है वो बनती है एनी बेसेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक डिटेल डिस्कशन कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे एंशिएंट में अपने पास जैनिज्म बुद्धिज्म है, मिडिवल में अपने पास सूफी भक्ति है, उसी तरह से सेम लाइंस पे डेवलप होते हैं 19th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। टाइम एंड अगेन स्टूडेंट्स अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें और फ्रीडम स्ट्रगल से पहले की बात करें तो वन ऑफ द की टॉपिक्स जिनमें से सवाल आते हैं वो आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ही हैं।
इसमें भी स्टूडेंट्स अगर क्यू ली जाए तो करंट अफेयर्स की मदद ली जा सकती है। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनकी लाइफ से एसोसिएटेड की पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी इस साल 200 बर्थ एनिवर्सरी थी और न्यूज़पेपर्स में वो छाए हुए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दी टॉपिक्स थरली। स्टूडेंट्स इफ यू एंजॉय स्टडिंग विद मी डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड वेन एवर अ न्यू वीडियो इज कमिंग अप। थैंक यू सो मच अगेन।